चिंतामणि, थोड़ी देर खेलने देना उनको गोपी के साथ। नहीं आई, जिसके बाप ने मेरे साथ मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की, हमें रास्ते पर ला दिया, उसके बच्चे के साथ मेरा बेटा नहीं खेलेगा। दादा, झगड़ा बड़ों के बीच है, बच्चों को बीच में क्यों घसीट रहे? मेरा बेटा है, उसके अच्छे बुरे को मैं समझता हूँ। साई क्यों नहीं लेकर अंदर से जल्दी? घर टूट गया अपना। कुछ भी नहीं बचा। खेत में जंगली जानवर घुस गए और सारी फसल तबाह कर दी। टूट गया अपना। क्यों अम्बा? खुश नहीं है तू? तूने जैसा जैसा चाहा था सब वैसा ही तो हुआ। पूरा परिवार बन चुका है तेरा। क्यों अम्बा? खुश नहीं है तू? तेरी आई शायद इसी सदमे से दम तोड़ दे अपना। तूने जैसा जैसा चाहा था सब वैसा ही तो हुआ। पूरा परिवार बन चुका है तेरा। खुश नहीं है तू? तूने इस घर को अपना महत्व दिखाई दिया। पूरा परिवार बन चुका है तेरा। जैसा जैसा चाहा था सब वैसा ही तो हुआ। खुश नहीं है तू? पूरा परिवार बन चुका है तेरा। आई शायद इसी सदमे से दम तोड़ दे अपना। पूरा परिवार बन चुका है तेरा। तूने जैसा जैसा चाहता सब वैसा ही तो हुआ। खुश नहीं है तू? पूरा परिवार बन चुका है तेरा। तूने इस घर को अपना महत्व दिखाई दिया। शायद इसी सदमे से दम तोड़ दे अपना। तूने जैसा जैसा चाहता सब वैसा ही तो हुआ। खुश नहीं है तू? किया तो सही तुमने, मगर गलत लोगों के साथ किया। साई, साई। विभाजित करना ही था तो अपने परिवार को नहीं, अपने अहम को करती अम्बा। आज तुम भी सुखी होती और तुम्हारा परिवार भी। साई, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, तुम्हारी सास ससुर ने तुम्हें मान नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा आत्मसम्मान खंडित हो गया। तुमने उस खोए हुए मान सम्मान को अपनों से पाना चाहा। तुम चाहती थी
कि तुम्हारे लौटने के बाद सब तुम्हें पलकों पर बिठा लें। यहां तक तुम्हारी सोच में कोई गलती नहीं थी। गलती हुई उस सोच को यथार्थ में बदलने का रास्ता चुनने में, क्योंकि वहां तुम स्वार्थी हो गई। अपने आगे तुम्हें किसी का सुख दुख नहीं दिखाई दिया। तुम जीतना चाहती थी, इसके लिए तुमने झूठ का सहारा लिया। तुम अपनी ताकत दिखाना चाहती थी, लेकिन ताकत से प्यार और सम्मान कभी नहीं मिलता अंबा। सच्चा प्यार और सम्मान पाने के लिए हमें अहंकार को त्यागना पड़ता है। अहंकार के समाप्त होते ही छल, कपट, भय, अनिश्चितता, ईर्ष्या सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे इंसान का सम्मान कौन नहीं करेगा? ऐसे इंसान को कौन प्यार नहीं करेगा? पर जिन चीजों को तुम्हें त्यागना था, तुमने उन्हीं को और बल दिया। नतीजा तुम्हारे सामने है। तुमने ये कैसे सोचा अंबा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें कुछ घर के काम करने को कह दिया? तुम उनकी मंशा नहीं समझी। वो चाहते थे कि तुम घर के कामों में व्यस्त हो, ताकि तुम्हें लगे कि तुम अब भी इस घर का हिस्सा हो, मेहमान नहीं। अगर तुम खाली बैठती तो तुम अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच के उदास होती, दुखी होती। ये उनकी मंशा थी। और उन्होंने तुमसे कभी वो काम करने के लिए नहीं कहा जो उन्होंने खुद ना किया हो। परिवार में जिम्मेदारियां सभी मिल बांट कर निभाते हैं। इसी सुख के लिए तुम अपने ससुराल में तरस रही थी ना। साई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो किया उसके बाद मेरा परिवार कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका ये अर्थ भी तो हो सकता है कि शायद पहले से बेहतर हो जाए। चुनौतियां हमें मिटाने के लिए नहीं, हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है अम्मा। क्या करूं साई, आप ही रास्ता दिखाइए। अपनी आंखें खुली रखो अम्मा, सच नजर आएगा तो रास्ता भी मिल जाएगा। राम जी भला करें। साई, कौन से सच के बारे में कह रहे हैं? हेलो, मुंह मीठा करो। हरिओम हरिओम। इस साल सबसे अधिक फसल हुई है हमारी। खरीदार आए और फसल काटने से पहले सारी उपज का अग्रिम भुगतान करके चले भी गए। कल परसों तक सारी फसल कट जाएगी और बिक भी जाएगी। हमारी जितनी फसल गांव में किसी की नहीं हुई है। हरिओम। मुबारक हो ससुर जी, मुबारक हो। लेकिन अपनी सफलता का श्रेय उन्हें भी दीजिए, जिनके योगदान के बिना ये सब असंभव था। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन एक बात कहूं बहू, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तुमसे। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारी फूट इतनी प्रभावकारी सिद्ध होगी। यदि तुम उन भाइयों के बीच फूट नहीं डालती तो उनके खेत नष्ट करना मेरे लिए असंभव था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ससुर जी कि मैं कोई आम अपला औरत नहीं हूं।
अगर आपने अपनी योजनाओं में मुझे पहले से शामिल कर लिया होता तो अब तक उस बैरागे से हम अपना पिंड छुड़ा भी चुके होते। कोई बात नहीं, अब छुड़ा लेंगे। भविष्य में ऐसे बहुत अवसर आएंगे तुम्हारे पास बहू। बात की बात है बाद में ससुर जी, पहले आपने किया वादा तो पूरा कीजिए। आपने कहा था मुझसे कि अगर मैं कामयाब हो गई तो आप मुझे और राजा को कुछ दिनों के लिए बंबई भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहू। यदि भविष्य में ऐसा कोई अवसर आता है तो मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगा बंबई। अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। कैसे हैं? बहुत स्वादिष्ट है सरकार। यही कारण है ससुर जी कि आप अब तक कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि आप वफादारी को, निष्ठा को कोई महत्व ही नहीं देते। इसीलिए सब लोग उस बैराग्य की बातें मानते हैं और आपकी नहीं। क्यों करेगा आपको कोई मदद? हाँ क्यों करेगा? क्योंकि सब जानते हैं जैसे ही आपका मतलब पूरा हुआ वैसे ही आपने अपने मददगार के पीठ में चूरा भोंका। बहू, ये मत भूलो कि तुम कुलकर्णी सरकार से बात कर रही हो। तुम्हारी थोड़ी सी प्रशंसा क्या कर दी मैंने, तुम तो सर पर चढ़ गई। और क्या किया है तुमने है? क्या किया है? दो तीन झगड़े तो करवाए हैं। कौन जाने बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा हो, वो लोग तो पहले से आपस में लड़ रहे हो, उसका श्रेय तुमने ले लिया। हरिओम। अधिकतर समय तो जोशी की बेटी के साथ गप्पे हाका करते थे तुम। ओ, तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सारे झगड़े अपने आप हो गए? यानी अम्बा का भरोसा जीतना, धीरे धीरे उसके घर वालों के खिलाफ उसके मन में जहर घोलना, एक एक करके सबके खिलाफ उसके कान भरना, पहले आनंदी फिर दमयंती फिर उसके अपने भाई, ये सब करना इतना आसान था? उस परिवार का सबसे अधिक नुकसान मैंने किया है बहू, मैंने। चिंतामणि के खेतों में रसायन किसने डलवाया? मैंने। त्रंबक के खेतों में जंगली जानवरों को किसने छोड़ा? मैंने। सही अर्थ में उनकी फसल को नष्ट करके सबसे अधिक क्षति मैंने पहुंचाई है। तुम्हारे देवरानी जेठानी के झगड़ों से कुछ नहीं हुआ बहू। ओम आओ। ने आप पर भरोसा किया, आपको अपनी सहेली समझा, ना हमदर्द समझा, और आपने अपने ही स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझे भड़काया, मेरे हाथों मेरा घर तोड़वाया आपने। मतलब तुमने सब सुन लिया? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, इसका अंजाम आपको भुगतना ही होगा। क्या करोगी तुम अम्बा? हाँ क्या करोगी? अपने घर वालों को सब सच बता दोगी? जाओ बता दो। अगर तुमने अपने घर वालों को सब सच बता दिया तो सबसे पहले वो तुम्हें ही घर से बाहर निकालेंगे। एक घर तो टूट चुका है तुम्हारा, अब दूसरा भी छूट जाएगा, फिर क्या करोगे तुम? कहाँ जाओगी? और वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा अम्बा, मैं कौन लगती हूँ उनकी? लेकिन तुम तो बेटी हो ना, मेरी बातें सुन के अपना ही घर बर्बाद कर दिया तुमने। उनका जितना नुकसान होना था उतना तो हो चुका अम्बा, और इसका इल्जाम
तुम पर आएगा, समझी? अगर सच बता दूं, तो वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और कहीं मुझे घर से निकाल दिया तो, और अगर नहीं कहा तो क्या मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगी? अपने ही परिवार के टुकड़े कर दिए तूने, हमें कंगाल बना दिया, तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। दादा, क्या हुआ दादा? तू बहन नहीं दुश्मन है हमारी। अरे हमें क्या पता था आस्तीन का सांप पाल रहे हम, अभी के अभी निकल जाए यहाँ से। दादा मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकल जाओ। सच बोलती उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी, फिर कहाँ जाऊंगी मैं? जिसने अपने ही घर में ऐसी आग लगाई हो उसे कौन आश्रय देगा? बाबा, आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? मजदूरी नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा बेटी? लेकिन दादा काम कर रहे हैं ना, इस बार नुकसान सही लेकिन अगली फसल में कमा लेंगे। लेकिन वो कमाई तो उनकी होगी ना, मैंने तो जीवन में जो कुछ भी कमाया सब बंटवारे में बट गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। मुझे तो अपनी पत्नी के साथ भी रहने की अनुमति नहीं मिली, जिससे शादी के वक्त सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया था, उसको कैसे छोड़ सकता हूं मैं, कैसे दूर हो जाऊं? इसीलिए मजदूरी करके चार पैसे जोड़ रहा हूं, ताकि कोई झोपड़ी किराए पर लेकर गोदावरी के साथ बाकी की जिंदगी काट सकूं। बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे? चिंतामणि दादा, त्रयंबक दादा, अब भी आपकी और आई की बहुत इज्जत करते, यदि यदि आप उन्हें कहेंगे तो वो आप दोनों को एक साथ रहने देंगे। जब तक उस घर में वो लकीर खींची है, तुम्हारी आई और मैं चैन से नहीं रह पाएंगे। साथ रहने का बस एक ही उपाय है कि हम दोनों वहां से कहीं दूर चले जाएं। तुम भी हमारे साथ रह लेना। अच्छा चलता हूं बेटी, अगर सामान देरी से पहुंचा तो पैसे कट जाएंगे मेरे। और हाँ, तूने जो देखा अपने तक ही रखना, तेरी आई को भी पता नहीं लगना चाहिए, उसकी हालत तो पहले से ही बहुत खराब है। कितनी मतलब ही है तू अम्बा, तेरी चुप्पी से तेरी आई बाबा इस उम्र में बेघर बेसहारा होने जा रहे, क्या अब भी तू चुप रहेगी? तुझे डर है कि सच जानने के बाद तेरा परिवार तुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन जो तू कर रही है उसके लिए क्या तू कभी अपने को माफ कर पाएगी? पहले बता तूने ऐसा क्यों किया? वो गलती से हो गया था। झूठ बोल रहा है तू, जानबूझ के किया था तूने। रुक जा, किस बात के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों? साई,
ये देखिए, मेरे बाबा ने मुझे कुर्ता दिया था, मैंने इसे अपना कुर्ता उधार दिया था, लेकिन जब इसने ये लौटाया तब ये फटा हुआ निकला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, क्या ये सच है? साई, इसने मेरे सितार का एक तार तोड़ दिया। इसे पता था वो मेरे लिए कितना कीमती था, इसलिए मैंने इसका कुर्ता फाड़ दिया। बाबा, वो अनजाने में हुआ था, लेकिन इसे जानबूझ के किया, बदला लेने के लिए। लेकिन इसके लिए इसका सितार भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा का भेंट दिया हुआ कुर्ता। जैसे तुम्हें बुरा लगा वैसे ही इसे भी बुरा लगा। तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए थी इससे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमें उससे सीख लेकर आगे के लिए सचेत रहना चाहिए। बदले की भावना से क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि और क्षति पहुंचती है। जैसे तुमने इसका कुर्ता तो फाड़ दिया, लेकिन क्या उससे तुम्हारे सितार का तार जुड़ गया? दोनों में हाथापाई हो गई, दोस्ती टूटने को आ गई, फायदा किसी का भी नहीं लेकिन नुकसान दोनों का हो गया। क्षमा साई बाबा। बच्चों, क्षमा मुझसे नहीं, क्षमा एक दूसरे से मांगो और एक दूसरे को क्षमा भी करो। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। शुक्रिया साईं बाबा। राम जी भला करें। काश और लोगों को भी अपनी भूल का एहसास हो पाता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं पैसे देता हूं लोगों को, मोहलत नहीं, समझे? आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। जाओ। कुलकर्णी सरकार, गुस्ताख! मेरी इतनी जरूरत की तो कुलकर्णी सरकार के सामने इस तरीके से बात करे? सरकार ने जो हरकत की है उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता। हरिओम हरिओम। ऐसा क्या पाप कर दिया है मैंने? अपनी बहू को मेरे परिवार में फूट डालने के लिए कहा, मेरी बहन को हमारे खिलाफ भड़काया, हमारे घर का बंटवारा करा दिया, और तो और चिंतामणि दादा के खेत को जहर से बर्बाद किया और मेरे खेत को जानवरों से। हरिओम हरिओम। खुद की खेती संभाली नहीं गई तो अपना दोष मुझ पे मढ़ रहा है? मैं कुलकर्णी सरकार हूं, 3 गांव का मुखिया हूं। तुझे क्या लगता है मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है जो तुम लोगों में मैं झगड़ा कराता फिर हो? आप गांव की जनता को दबाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये बात किसी से नहीं छुपी, लेकिन आप इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चुप! तुम्हारा बाप इस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लोग उसका सम्मान करते हैं, इसलिए मैं चुप बैठा अभी तक। लेकिन तेरा ये उपद्रवी व्यवहार देख के ये सिद्ध हो गया है कि तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इसीलिए तो अपने बड़े भाई से झगड़ के लड़ के तुमने हिस्सा मांगा। हंसते खेलते परिवार में तुमने बंटवारा कर दिया। तेरे असावधानी के कारण तेरी फसल खेत में ही नष्ट हो गई, तू कंगाल हो गया।
मुझे तो लगता है एक के बाद दुख आने के कारण तू प्रमिष्ट हो गया है, पागल हो गया है तू। पागलपन क्या होता है ये मैं अब आपको दिखाता हूं। बस बस मार डालोगे क्या उसे? अब लगता है तुम्हारे अकल ठिकाने आ गई है। इसके उपरांत तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। नहीं कुलकर्णी सरकार, ये आपका भ्रम है कि आप जीत गए, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। गांव और चावड़ी आपके हाथ में होगी, लेकिन अमलदार और कचहरी तो नहीं। मैं नगर जाकर साठे साहब से आपकी शिकायत करूंगा, जांच पड़ताल करवाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो षड्यंत्र रचा है उसका दंड आपको जरूर मिले। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। हरिओम हरिओम सरकार, वो त्रंबक आपको धमकी देकर चला गया और आपने कुछ कहा भी नहीं। गांव में बात फैल गई तो लोग क्या सोचेंगे? उसे यहाँ कुछ करता तो लोगों को लगता कि मैं अपना दोष छुपा रहा हूँ। जाने दो उसे, जाने दो। लेकिन ये सच में साठे के पास पहुंच गया तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। साठे तो पहले से ही उस फकीर का चमचा है। तुम दोनों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो साठे तक ना पहुंच पाए। समझ गया सरकार। हरिओम हरिओम। साई, मैंने बहुत सोचा कि इस तालाब के गंदे होने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आनंदी, क्या तुमने आज तालाब के पानी में झांक कर देखा? अरे वाह, इसका पानी तो थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। साई, तालाब के तल में तो कचरा पड़ा है, अगर इसे निकाल दे तो तालाब साफ रहेगा। हमारे मन में बैठे बुरे विचार भी इसी कचरे की तरह होते हैं, जो हमारी सोच, हमारे विवेक को दूषित करने लगते हैं। अगर उन्हें मन से हटा दो तो मन भी साफ हो जाता है। कल तुमने अपना मन साफ किया तो ये तालाब भी साफ होने लगा। आज इसके तल से गंदगी हटा दो, फिर देखना मन और जीवन भी निर्मल हो जाएगा। आपसी बैर भुलाकर इंसानियत दिखाना, पड़ोसी धर्म निभाना, मन से मैल हटाना ही हुआ ना। ये लीजिए। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, पड़ोसी धर्म और इंसानियत के नाते मदद की है।